बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का एक स्टेटमेंट हस्बैंड श्री राम माधव लेने को लेकर यकीनन अपनी शादी को लेकर आपके जहन में भी सवाल खड़े करेगा। शादी को जिनके 24 साल हो गए हैं, उनके शादीशुदा रिश्ते में दरारें भले ना आई हों, एक वक्त था तलाक की अफवाहों का सामना इन दोनों ने भी किया था। खैर, अफवाहों का खंडन हुआ जब दोनों साथ दोबारा आए। खैर, अमेरिका से जब माधुरी लौट रही थी इंडिया, तब इस तरह की अफवाहें उड़ी थी कि वो हस्बैंड को छोड़कर तलाक लेने के लिए लौट रही हैं। खैर, ये अफवाहों का खंडन तो माधुरी ने कर ही दिया था। खैर, यूट्यूब चैनल पर अपने हस्बैंड के साथ कुछ कन्वर्सेशन करती भी पिछले साल नज़र आई थी माधुरी, जहां उन्होंने एक फिजिशियन की वाइफ बनने पर जो चैलेंजेस फेस किए इस पर बात की थी। माधुरी ने बताया था, बहुत मुश्किल होता है ऐसे शख्स के साथ शादी के बंधन में बंधना जिनके टाइम के साथ मैच कर पाना इम्पॉसिबल है, बहुत टफ होता है। उन्होंने अपने हस्बैंड के टाइम टेबल की वजह से बहुत मुश्किल झेले, बहुत टफ रहा उनके लिए शादी के रिश्ते में बनकर जिम्मेदारियां निभाना, क्योंकि माधुरी के पति ने सारी जिम्मेदारी माधुरी दीक्षित को दे दी थी। जी हाँ, माधुरी दीक्षित ने कहा था कि सारी जिम्मेदारियां उन पर थी, बच्चों की देखरेख, बच्चों की परवरिश, बच्चों को स्कूल छोड़ना और उसके बाद स्कूल से लाना, इस तरह की काम सब कुछ माधुरी पे आ गया था। एक सुपरस्टार को एक हाउसवाइफ का काम करना पड़ता था, उन्हें इस काम से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्हें इस चीज़ की आदत नहीं थी, उन्हें एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसे उनकी लाइफ में टर्न आएगा, जिसके कारण वो बॉलीवुड से तो दूर हुई। उनके सेक्रीफाइसेस उनके हस्बैंड ने समझे, लेकिन उनके हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनका हॉस्पिटल था और वहाँ अपनी ड्यूटी थी, जिसके कारण जब माधुरी खुद बीमार पड़ती तब भी उनके पति को दूसरों का ख्याल रखना पड़ता, पेशेंट के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती। माधुरी इसे लेकर काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहती थी। नेक्स्ट टाइम लाइव स्थिति की रिपोर्ट।